इस वीडियो की जानकारी 3 नवंबर 2021 को अपलोड की गई है। हा वीडियो 3 नवंबर 2021 रोजी प्रसारित केला गेला आहे। धन्यवाद। सभी दिव्यांग भाई बहनों को सादर प्रणाम। हमारे दिव्यांग एकता लक्ष्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिव्यांग एकता लक्ष्य दिव्यांगों का यूट्यूब चैनल। दिव्यांग भाइयों, आप सभी को दिव्यांगों के बारे में जो भी जानकारी ज़रूरी हो, जैसे कि दिव्यांगों की नौकरी, सरकारी लाभ योजनाएं और बहुत कुछ, वो सब कुछ इस चैनल पर एक ही जगह पर एक ही क्लिक पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। निम्न दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके कृपया चैनल को विजिट करें, और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा तो कृपया इसे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार सर्वांना, आम्ही दिव्यांगांसाठी यूट्यूब चॅनल सुरू केलेला आहे। तर या यूट्यूब चॅनलवरती सर्व प्रकारची तुम्हाला माहिती मिळू शकेल, नोकरी विषयी, शिक्षणाविषयी, मोफत जे साहित्य भेटतं या संस्थेविषयी, आणि परीक्षेचे फॉर्म सुटले याविषयी, या सर्व विषयी माहिती तुम्हाला भेटेल या यूट्यूब चॅनलवरती। तर खालच्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही ही माहिती मिळू शकाल, आणि जास्तीत जास्त या चॅनलला सबस्क्राइबर करा, लाईक करा आणि शेअर करा, बेल आयकनला क्लिक करा। दिव्यांगन एकता लक्ष या चॅनलमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। या व्हिडिओमध्ये जी काही माहिती दिलेली आहे याची पुरेपूर खात्री करूनच कोणताही व्यवहार करावा, अन्यथा चॅनल जबाबदार नसणार आहे। धन्यवाद। व्हिडिओमधील लिंकची माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। दिव्यांग एकता लक्ष या आमच्या यूट्यूब चॅनलतर्फे सर्व बंधू भगिनींना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। दिवाळीत फटाके फोडताना सुरक्षेची काळजी न घेतल्यास अपघाताची शक्यता असते। हे टाळण्यासाठी व आनंदात दिवाळी साजरी करण्यासाठी सुरक्षितता बाळगणे महत्त्वाचे आहे। आगीची घटना घडल्यास तत्काळ 101 या क्रमांकावर संपर्क साधा, किंवा आपल्या नजीकच्या मनपा अग्निशामक केंद्राला माहिती द्या, असे आवाहन महापालिकेच्या अग्निशामक विभागाने केले आहे। फटाके उडवण्यासाठी शक्यतो मोकळ्या जागेचा वापर करा। फटाके उडवताना शक्यतो सुती कपडे घालावेत, कारण सुती कपडे लवकर पेट घेत नाहीत। गाड्यांजवळ फटाके उडवू नका, कारण गाड्यांजवळ ऑइल, पेट्रोल सांडलेलं असतं, या वस्तू लगेच पेट घेऊ शकतात। विजेच्या डीपीजवळ फटाके उडवणं टाळा। सुरसुऱ्या, फुलबाज्या विजल्यानंतर पाण्यात टाका, का इतरत्र टाकल्यास कुणाचा पाय पडून भाजण्याची शक्यता असते। फटाके जाळताना फटाक्यांच्या बॉक्सवरील सुरक्षाविषयक सूचनांचे पालन करावे। फटाके फोडताना नेहमी पाणी आणि रेतीची बादली जवळ ठेवावी। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तीला लवकरात लवकर डॉक्टरांकडे घेऊन जावे। भाजलेल्या भागाचा त्रास कमी होईपर्यंत तो भाग थंड पाण्याखाली धरावा। जर जखम गंभीर स्वरूपाची असेल तर घरगुती उपाय करण्याच्या फंदात न पडता दवाखान्यात जावे। जर कुठे आग लागली असेल तर ती विझवण्यासाठी जाड पोते
अथवा जाड चादरीचा वापर करावा. धन्यवाद. तोच आनंद तेच पावित्र्य. पण शुभेच्छा सर्व समाजाच्या. दिव्यांग अपंग समाज सामुदायिक विवाह सोहळा वर्ष 6वे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही झुंज दिव्यांग संस्था महाराष्ट्र राज्य विवाह सोहळ्याचे आयोजन पुणे येथे डिसेंबर महिन्यात करण्यात येणार आहे. आत्तापर्यंत असंख्य अपंग जोडप्यांना विवाह बंधनात बांधण्याचे पुण्य संस्थेमार्फत करण्यात आले आहे. अत्यंत उत्कृष्ट व पारंपरिक पद्धतीने हा विवाह सोहळा त्याच पद्धतीने यंदाही थाटामाटात होईल. इच्छुक वधूवरांनी लवकरात लवकर नोंदणी करावी. विवाहासाठी संपूर्ण माहितीसह नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विवाह नोंदणीची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2021 राहील. विवाह नोंदणीसाठी खालील क्रमांकावर संपर्क साधावा. 9011452216 किंवा 9156951914 किंवा 7743827987. विवाहस्थळ सोमवार पेठ पुणे 411011. सामूहिक विवाह सोहळ्यास पात्र ठरणाऱ्या वधूवरांना पुढील सुविधा मिळतील. मणिमंगळसूत्र, वधूवरांचा पोशाख, संसारोपयोगी भांड्याचा सेट, बेड सेट, 2 महिन्यांचे रेशन, वऱ्हाडी मंडळींसाठी मोफत जेवण, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र. सामूहिक विवाह सोहळ्याचे खास आकर्षण आकर्षक मंडप, डेकोरेशन, सजावट, अविस्मरणीय बँडबाजा वरात व इतर आकर्षक बक्षिसे. आयोजक झुंज दिव्यांग संस्था महाराष्ट्र राज्य विवाह सोहळा समिती. श्री राजू हिरवे अध्यक्ष 9011452216 9156951914. सौ नूतन तैन रोहमारे महिला अध्यक्ष 7743827987. दादासाहेब काशी. अपंग जनता दल एक सामाजिक संघटना. ईमेल APANGJANTADAL@gmail.com. अपंग जनता दल @gmail.com. अंध, अस्थिव्यंग, मूकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद, पॅरालिसिस यांच्या केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना व सवलती खालीलप्रमाणे. 1. अपंगांचे प्रमाणपत्र. 2. अपंगांचे ओळखपत्र. 3. अपंगांना रेल्वे पास. 4. अपंगांना कर्ज योजना. 5. अपंगांना शिष्यवृत्ती. 6. अपंगांना घरकुल योजना. 7. अपंगांना अंत्योदय योजना. 8. अपंग पुरस्कार. 9. अपंगांना शाळेत निःशुल्क प्रवेश. 10. संजय गांधी योजना. 11. अपंग राष्ट्रीय विकास महामंडळ यांच्याकडून 5 लाख कर्ज योजना. 12. अपंग व्यक्तींना शासकीय सेवेत नोकरी. 13. अपंगांना निवासी कर्मशाळेत निःशुल्क प्रवेश. 14. अपंगांना खाजगी वसतिगृहात आरक्षण. 15. अपंगांना स्वस्त धान्य दुकान परवान्यात प्रथम प्राधान्य. 16. अपंगांना ITI 3% आरक्षण. अपंगांना कृत्रिम साधने वाटप. 17. अपंगांना गृहनिर्माण मंडळामध्ये गाळ्याचे आरक्षण. 18. अपंगांना आरे सरिता एजन्सी. 19. अपंगांना रिक्त अनुशेषाबाबतची माहिती. 20. अपंगांना लिपिक पदासाठी सवलत. 21. अपंगांना लेखनिकसाठी सवलत. 22. अपंगांना विवाह योजना अनुदान. 23. अपंगांना विद्यार्थिनींसाठी स्कूटी योजना. 24. ग्रामपंचायत अपंगांसाठी 5% निधी राखीव. 25. पंचायत समितीमध्ये अपंगांसाठी 5% निधी राखीव. 26. नगरपालिका व नगरपरिषदमध्ये अपंगांसाठी 5% निधी राखीव. 27. महानगरपालिका व जिल्हा परिषदमध्ये अपंगांसाठी 5% निधी राखीव. 28. अपंग व्यक्ती कायदा सामान्य संधी हक्क संरक्षण 1995 कायद्याप्रमाणे. वरील योजनेसाठी खालील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अपंग जनता दल
सामाजिक संघटना जनसंपर्क कार्यालय ब्लड बँकेच्या शेजारी कृष्णा लाईटच्या वर गांधी मार्केट लातूर, श्री शंकर सर्जे लातूर प्रदेश उपाध्यक्ष अपंग जनता दल सामाजिक संघटना महाराष्ट्र राज्य, मोबाईल नंबर 9960481809, अपंग सभासद नोंदणी सुरू आहे. धन्यवाद. अपंग जनता दल सामाजिक संघटना महाराष्ट्र राज्य किराणा किट वाटप बुधवार दिनांक 3/11/2021. एक, मनीषा अशोक म्हस्के गाव तळणी. दोन, वैशाली अंबादास जावळे गाव कन्हेरी. तीन, अनिकेत सचिन भोरे गाव फत्तेपूर. चार, गोविंद परशुराम घोगरे गाव तुंगी. पाच, ऐश्वर्या बालाजी शिंदे गाव लोहटा. सहा, शहाजना शमशोदीन तांबोळी गाव लातूर. सात, नरहरी यादव गाव माटेफळ. आठ, अनुरज जगताप गाव वाकडी. श्री शंकर सर्जे लातूर उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य अपंग जनता दल सामाजिक संघटना महाराष्ट्र राज्य, मोबाईल नंबर 9960481809. धन्यवाद. अमेरिकन इंडिया फाउंडेशनतर्फे प्रशिक्षण आणि नियुक्तीची संधी उपलब्ध आहे. हँडिकॅप लोकांसाठी व नॉर्मल महिलांसाठी कोर्सचं नाव आहे वर्क रेडिनेस प्रोग्राम. हा कोर्स 2 महिन्याचा आणि रोज 4 तास याप्रमाणे असेल. यासाठी वयाची अट आहे वय वर्ष 18 ते 32 वर्ष आणि शिक्षण 12वी पदवीधर. धन्यवाद. स्पेशली एबल लोकोमोटर स्पीच अँड हेअरिंग इम्पेअर्ड नॉन PWD फीमेल्स प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटी इन रिटेल मार्केटिंग अँड शॉपिंग मॉल्स वेअर हाऊसेस हॉटेल्स अँड फूड चेन रेस्टॉरंट्स एक्सेट्रा. फिल दिस फॉर्म फॉर ॲडमिशन अँड रजिस्ट्रेशन. Click on below link. Thank you. If anyone interested, please free feel to call us Shyamal Sonawane 83-2909-2972. Thank you. We are hiring people with disabilities at Max Life Insurance. Come to be a part of this dynamic and inclusive culture. Share your resume on beinclusivethinkdiversity@maxlifeinsurance.com. Location, Pan India. Share your resume on beinclusivethinkdiversity@maxlifeinsurance.com. beinclusivethinkdiversity@maxlifeinsurance.com. Thank you. Max Life, we are hiring people with disability at Max Life Insurance. Come be part of this dynamic and inclusive culture. Share your resume on beinclusivethinkdiversity@maxlifeinsurance.com. Location, Pan India.
मैक्स लाइफ। थैंक यू। संजय गांधी निराधार योजनेची पेन्शन जमा झालेली आहे, विधवा महिला व ज्येष्ठ नागरिक। धन्यवाद। आपणा सर्वांना सस्नेह निमंत्रण श्री महाराणा प्रताप सिंहजी स्मारकाच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी। कार्यक्रमाची रूपरेखा जनजागृती सांस्कृतिक ऐतिहासिक देखावा शोभायात्रा बुधवार दिनांक 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी दुपारी 2 वाजता सप्तशृंगी मंदिरपासून ते महाराणा प्रताप चौक पर्यंत शहादा। तर बुधवार 3 नोव्हेंबर 2021 कार्यक्रम स्थळ स्वामी समर्थ केंद्रजवळ श्री महाराणा प्रतापजी चौक शहादा जिल्हा नंदुरबार येथे श्री महाराणा प्रताप सिंह स्मारक लोकार्पण सोहळा। अवश्य यावे। धन्यवाद। हरियाणा व्हीलचेअर क्रिकेट असोसिएशन प्रेजेंट व्हीलचेअर क्रिकेट चैलेंज कप 2021। आप सभी को हर्षोल्लास से अवगत किया जाता है कि 5 नवंबर 2021 को सुबह 9 बजे गवर्नमेंट पॉलिटिकल ग्राउंड नीलखेड़ी में व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है करनाल टीम और सोनीपत टीम के बीच में। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस मौके पर पहुंचकर दिव्यांग प्लेयर को अपना आशीर्वाद दें, उनका हौसला बढ़ाएं, व्हीलचेयर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें और सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मोबाइल नंबर 9991150831। धन्यवाद। मुख्यमंत्री का कार्यालय जनसंपर्क कोषांक संख्या CM 542। मुख्यमंत्री ने मनरेगा की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। 1/11/2021 पटना 1 नवंबर 2021 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में मनरेगा से जुड़े कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। बजट राशि खर्च एवं कार्यों की प्रगति को लेकर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने मनरेगा के कार्यों का बजट खर्च आदि के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 20 करोड़ मानव दिवस के श्रम बजट के विरुद्ध अद्यतन 10.37 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं। इस योजना के अंतर्गत मजदूरी की 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। अगस्त माह तक मजदूरी का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना काल में मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार दिए गए। जैसे कि जानकारी दी गई है कि इस योजना के अंतर्गत मजदूरों का भुगतान DBT के माध्यम से उनके खातों में किया जाता है। मजदूरी का भुगतान ससमय होता रहे इसको लेकर केंद्र सरकार से पर्याप्त राशि के आवंटन हेतु बात कर ले तथा सुनिश्चित करके मजदूरों का ससमय मजदूरी का भुगतान हो। जल जीवन हरियाली अभियान के कार्यों की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और कार्य में गति लाने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अनुपम कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव श्री राजीव रोशन सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांग एकता लक्ष्य की ओर से सभी भाइयों और बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर पटाखे चलाते समय यदि सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इससे बचने के लिए और खुशी में दिवाली मनाने के लिए सुरक्षित रहना जरूरी है। आग लगने की स्थिति में तुरंत 101 यानी 101 या नज़दीकी निगम पर कॉल करें, दमकल को सूचना दें। निगम के दमकल विभाग ने अपील की है
पटाखों के फूंकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह का इस्तेमाल करें। दो, पटाखे जलाते समय सूती कपड़े का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि सूती कपड़े जल्दी नहीं फूलते। वाहनों के पास पटाखे न फोड़े क्योंकि वाहनों के पास तेल और पेट्रोल गिराया जाता है, ये वस्तु तुरंत प्रज्वलित हो सकती है। पावर डीपी के पास पटाखों को बंद करने से बचे, पटाखे को फोड़ने से बचे। तेज आतिशबाजी की तुलना में अधिक सुंदर और आकाश को रोशन करने वाली आतिशबाजी का उपयोग करें। भीगने के बाद सब्जियों को पानी में डाल दें अगर आप इसे कहीं और लगाते हैं तो। किसी भाग पर जल जाए शरीर के तो कुपरिया उस पर पानी डालें। पटाखे जलाते समय पटाखों की पेटी पर सुरक्षा निर्देश का पालन किया जाना चाहिए। पटाखे जलाते समय हमेशा एक बाल्टी पानी और रेती पास में रखें। घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं। जब तक बेचैनी कम न हो तब तक पके हुए हिस्से को ठंडे पानी के नीचे रखें। अगर चोट गंभीर है तो घरेलू उपचार का सहारा लिए बिना अस्पताल जाए। यदि आग लगे तो उसे बुझाने के लिए मोटे बोरे या मोटी चादर का प्रयोग करना चाहिए। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।